नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। नवादा पुलिस से जुड़ी एक खबर है और खबर ये है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को फिर से शर्मसार करने वाली घटना हुई है और ये वाकया जब कहीं ना कहीं सार्वजनिक हुआ है तो महकमे में अफरा तफरी मची हुई है। मसला ये है कि एक व्यापारी से पुलिस वालों ने 1,00,000 रुपये ठग लिया और वो रुपये उसने उसे ठगी भी नहीं कह सकते, समझिए कि बा जबरदस्ती एक तरह से वो क्राइम था, अपराध था कि बाजबरन उससे उस व्यापारी से रुपये की वसूली की गई और 1,00,000 रुपये, और वो भी मूर्खतापूर्ण वसूली हुई कि अपने किसी खास व्यक्ति के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करवा करके वो रिश्वतखोरी की गई है। ना दिलचस्प बात, क्या समझिए पूरी घटना है क्या। हालांकि हम अब भी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि पूरी घटना के पीछे सत्यता क्या है, लेकिन जो इनपुट है, जो जानकारी हमें मिली है, नवादा लाइव तक पहुंची है या सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं ये खबर वायरल हो रही है, तो उसके बिना पे हम ये खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और खबर ये है कि सिरदला थाना की पुलिस ने एक व्यापारी, लकड़ी व्यापारी को 3-4 ट्रैक्टर लकड़ी लदा हुआ ट्रैक्टर तीन चार ट्रैक्टर को सिरदला पुलिस ने जब्त किया किसी सूचना के आधार पर। जब जब्ती हुआ तो पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि भाई इसका ओनर कौन है, कौन व्यापारी है जो कि लकड़ी को कटवा रहा था। तो पता चला कि जिस व्यापारी के बारे में पता चला, उस व्यापारी को जो पुलिस वाले ट्रैक्टर को जब्त किए थे कॉल किए। व्यापारी पहुँचे जानकारी के बाद, उसके बाद बाजब्ता, पहले तो जो पुलिसिया व्यवहार होता है, हरकाना धरकाना, जेल भेज देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके थोड़ा सा डिमोरलाइज उस व्यापारी को किया गया। और व्यापारी जब थोड़ा सा रास्ते पे आ गया कायदे से, तो फिर उसे चुचकार पुचकार करके अपनी गाड़ी में पुलिस वालों ने बैठाया और जो घर जहाँ पर लकड़ी की जब्ती हुई थी वहाँ से कुछ दूर ले जा करके उस व्यापारी के साथ सौदेबाजी की गई और 1,50,000 रुपये से मामला चला और 1,00,000 रुपये पर बात सौदा तय हुआ और 1,00,000 रुपये तत्काल जो है सो पुलिस वाले ने अपने किसी खास व्यक्ति के खाते में 1,00,000 रुपया ट्रांसफ़र करवाया, जो कि उस व्यापारी के बेटे ने व्यापारी के ही मोबाइल और अकाउंट से पैसे को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद पुलिस वाले चले गए, जाते जाते जो व्यापारी के पॉकेट में 4,000 रुपया खुदरा खुदरी था वो 4,000 रुपया भी लेते हुए चले गए, मतलब कि 1,04,000 रुपये की वसूली की गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, व्यापारी का किसी व्यक्ति के साथ बातचीत के क्रम में एक वीडियो तैयार हुआ है, वो वीडियो से यह क्लियर हो रहा है कि 1,04,000 रुपये की अवैध वसूली की गई सिरदला थाने की पुलिस के द्वारा। अब उस वसूली में थे कौन कौन, तो बहुत ज़्यादा नाम तो साफ नहीं हो रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पुलिस को जो उसने भी इतला दी, ऐसे तो ये कहा जा रहा है कि चौकीदार ने इतला दी थी और चौकीदार की सूचना पर ही सिरदला थाना की पुलिस पहुंची थी। उसमें कोई एक हर्ष करके मुंशी था, सिपाही है लेकिन मुंशी का काम देखता है सिरदला थाने में, इसके अलावा कोई एक जमादार साहब थे और 3-4 और पुलिसकर्मी थे, किसी स्कॉर्पियो गाड़ी से उस स्थान पर पहुंचे थे जहां पर से लकड़ी भरा ट्रैक्टर या तो लोड किया जा रहा था या गुजर रहा था। उस तीनों चारों ट्रैक्टर को वहीं पर डिटेन किया गया, उसके बाद व्यापारी को बुलाया गया, व्यापारी से सौदा हुआ और ये हुआ। ये इलाका जो था जहाँ से ये लकड़ी की कटाई हो रही थी, जो जानकार हमें बताते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा इनलीगल वर्क नहीं था, किसी किसान का अपना पेड़ था, उस पेड़ को, शीशम के पेड़ को उस किसान ने बेचा था, उसकी अपनी रैयती भूमि पर थी। और ये बताया जा रहा है रबियो चौगांव, सिरदला थाना इलाके का ही गाँव है रबियो चौगांव, उसी के खंदा में कहीं पेड़ था जहाँ से पेड़ काटा गया था। प्योर रैयती भूमि पर था, कोई सरकारी भूमि पर भी नहीं था। जो नियमावली कहती है कि रैयती भूमि पर पेड़ काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान मुखिया से अनुमति ले सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या अंचल वगैरह से उसमें कुछ लेना होता है। व्यापारी ने उस लकड़ी को ख़रीदा था और उसके पेनाल्टी जो है सो 1,04,000 रुपये थ्रेट के जरिए उससे जबरन वसूली की गई और पैसे को किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया गया। और जो हमें जानकारी है कि जो दी जा रही है उसके हिसाब से कोई अकाउंट नंबर उस व्यापारी वीरेंद्र सिंह है, संभवतः हिसुआ में उनका कारोबार है लकड़ी का, ऐसे रहने वाले वो मूलतः नरहट थाना इलाके गारोबिगा गांव के हैं और उनका मोबाइल नंबर है 99315-18163। इस नंबर से इनका अकाउंट लिंक्ड है, ऐसी अकाउंट से जो है सो पैसा अकाउंट टू अकाउंट मोबाइल के जरिए, मोबाइल कॉन्टैक्ट के जरिए, पेफोन या गूगल किसी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया गया 1,00,000 रुपये।
और किसी करण कुमार नामक व्यक्ति के खाते में वो पैसा ट्रांसफर हुआ। अब करण कुमार कौन है, हो सकता है उस थाने का कोई दलाल हो सकता है वो जो पुलिसकर्मी जो वहाँ पर रेड करने के लिए गए हों या जो इस टीम में शामिल हों उसके कोई रिश्तेदार हों या अपने हों खास हों, वो तो जांच और अनुसंधान का मसला बनता है। तो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं ये घटना है नवादा पुलिस के लिए। अगर ये घटना वाकई में सच है तो इसकी जाँच होनी चाहिए, और जाँच होने के बाद अगर जो भी निष्कर्ष निकलता है इसमें दोषी जो भी पुलिसकर्मी हैं पदाधिकारी हैं उन पर सीधे तौर पर कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई जो भी विभागीय रूल्स कहता है उसके तहत तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन वो होगी कब, जब इसकी जांच होगी। व्यापारी इसकी कंप्लेन दर्ज करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, लेकिन अगर ये बात सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आ गया तो पुलिस अधीक्षक की जिम्मेवारी बनती है कि कॉग्निजेंस लेकर इस पूरे मामले की जाँच कराएं। वैसे भी नवादा पुलिस के लिए ऐसा कोई ना कोई एक्सेप्शन मसला है कि इस प्रकार की पहली घटना है। मोबाइल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कराने की इसके सबसे पहली वारदात जो सामने आई थी वो आई थी आपको मुफस्सिल थाना इलाके से, आज के कुछ महीना पहले की ही बात है। उसमें एलबी पासवान, लाल बिहारी पासवान यहाँ के थाना अध्यक्ष हुआ करते थे, और एक ट्रक की जब्ती और उसको रिलीज करने के नाम पर उन्होंने अपने चौकीदार के ही किसी परिवार के नाम से या चौकीदार के खाते में 40-45 हज़ार ट्रांसफ़र करवा लिया था। और उस मामले में जब मामला सार्वजनिक हुआ था तो पुलिस अधीक्षक तब के गौरव मंगला थे, उन्होंने लाल बिहारी पासवान को सस्पेंड कर दिया था, उसमें जो इंस्पेक्टर कम एसएचओ थे मुफस्सिल थाना के। इससे आगे की बात अगर हम करते हैं तो ये 1 लाख की रिश्वतखोरी तो लगता है आम बात हो गया है। आपको जैसा कि जानकारी है कि नवादा टाउन थाना में एसएचओ थे, नवादा टाउन थाने में एक दरोगा जी थे, एक केस में हत्या के दहेज डोरी एक्ट के केस में, दहेज हत्या के केस में आरोपियों को मदद पहुंचाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 1 लाख रुपए लेते हुए वो जो लाल बाबू यादव दरोगा थे टाउन थाना में नवादा में गिरफ्तार किए गए थे। ये मसला बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, 10 जुलाई का मसला ही है, मात्र 10 जुलाई, पिछले 10 जुलाई को ही, अभी अगस्त महीना चल रहा है तो 2 महीना अभी बीता है। 1 लाख रुपये लेते हुए पकड़े गए थे, बहुत ज़्यादा पुराना मसला नहीं है, 14 जुलाई को ही है कि रजौली के मुंशी थे रामसागर पंडित, ASI कम मुंशी का काम देखते थे रजौली थाना में, वो किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगते सीधे तौर पर मोबाइल पर उनका ऑडियो वायरल हो गया था, पुलिस अधीक्षक को उनको लाइन हाजिर करना पड़ा था और ऑडियो की सत्यता की जांच कराने के लिए भेजा गया था। और उसके बारे में आगे क्या हुआ ये अभी तक बताया नहीं गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया था कि उस मामले में ऑडियो जाँच होकर आया सत्य था असत्य था। लाइन हाजिर करने के अलावा भी उस जमादार साहब पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक कोई सार्वजनिक इस मसले को नहीं किया गया मेरी जानकारी में तो खैर नहीं है। तो ये बड़ी खबर थी, 1 लाख रुपये सीधे तौर पे किसी व्यापारी के गर्दन में हाथ डाल करके जबरन पैसा की वसूली की गई है, अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया गया है, 4000 रुपये पॉकेट से भी उड़ाया गया है। अवैध लकड़ी के धंधा में अवैध लकड़ी का मसला आता है तो एक और बड़ा ट्विस्ट वाली कहानी है कि फरवरी में अकबरपुर थानेदार अजय कुमार पर आरोप लगा था कि उन्होंने चरवाहा विद्यालय कैंपस में जो लगा हुआ था शीशम का पेड़ काट लिया था, अपने थाना परिसर में उसका फर्नीचर बनवा रहे थे, उस पर भी जांच हुआ लेकिन लीपापोती की गई। अब तक उस पर क्या हुआ है नहीं हुआ है कोई मतलब स्पष्ट रूप से नवादा के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा चाहे DM हो, SP हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चरवाहा विद्यालय का प्रबंधन हो, बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की जमीन पर चरवाहा विद्यालय चल रहा था तो कृषि विभाग के द्वारा किसी प्रकार का एक्शन, कोई एक्शन फैक्शन की कोई बात अब तक नहीं हुई है अकबरपुर वाले मामले में। तो जो स्थिति है पूरे मामले में यूं कहें कि कहीं ना कहीं ये मतलब नवादा में पुलिसिंग सिस्टम में ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार और करप्शन का बोलबाला है, आम लोग तंग व तबाह हैं और कहीं ना कहीं जस्टिस आम लोगों को मिलता है ऐसा मुक्त कंठ प्रशंसा करते तो किसी व्यक्ति को हमने सुना ही नहीं कि नवादा पुलिस की प्रशंसा करेगी, वो जस्टिस भी करती है। हाल के दिनों में एक वाक्य सामने आया कि एक टीचर ने इसलिए सुसाइड कर लिया कि पुलिस ने त्वरित इंसाफ नहीं किया, एक हत्या के मामले में उसे आरोपित बना दिया गया था, उसको लग रहा था कि पुलिस न्याय करेगी लेकिन पुलिस ने जस्टिस नहीं किया और वो जेल जाने के भय से उसने सुसाइड कर लिया, फरारी के जीवन में उसने सुसाइड कर लिया था। ये मसला आपको अभी 1 सप्ताह भी नहीं बिता है, नरहर थाना क्षेत्र के खनमा गाँव का ये मसला है। तो क्या हो रहा है पुलिसिंग सिस्टम में ये तो एक आकलन करने की बात है, और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में जो जड़ता आई है या कहिए कि करप्शन का जो जिस कदर से घून लगा है वो उसका कैसे इलाज होगा ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं जो विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं शासन प्रशासन के अधिकारी इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, क्या विकल्प हो सकता है ये तलाशना उनका काम है, मेरा काम नहीं है, मीडिया का काम है, जो भी बात है सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर उसको ला देना।
तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से संबंधित जो कुछ और वीडियो क्लिप या कुछ और अपडेट हमारे पास आएगा तो हम लेकर आपके सामने आएंगे। उससे पहले एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।